मैं जब कॉलेज में गया मेरे आसपास लोगों को बहुत कुछ आता था एंड दैट वाज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस फॉर मी कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि जो लोगों ने 11 12th में जितना किया हुआ है ना, मतलब वो इतना ज्यादा लगता है जब तुम कॉलेज में जाते हो, बट दैट्स एक्चुअली लाइक तुम अगर आप ढंग से करोगे 2-3 हफ्ते में तुम वो कवर कर सकते हो। DSNL को हुआ नहीं होता पूरा और हम कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ना वो अच्छे से हो पाता है ना DSNL को अच्छे से हो पाता है। आई थिंक पर्सनली जो मेरे लिए भी हेल्प करा, मैंने जब DSNL को सीखा 6-8 महीने लग के सीखा, बट केवल एंड केवल DSNL को करा और बहुत अच्छे से करा। एक दूसरी तरफ लोग क्या होते हैं, एरेज पढ़ेंगे, अब एरेज की प्रॉब्लम कर रहे हैं और करे जा रहे हैं और वो डूब गए हैं उस समंदर के अंदर कि अब वो एरेज की प्रॉब्लम करे जा रहे हैं, अब उन्हें पता ही नहीं है कि रुकना कब है। एंड पारी की हर कहानी के अंदर मेट्रो आ जाती है, कुछ भी होता है। मुझे पता नहीं तूने कितना टाइम मेट्रो में स्पेंड किया, 4 साल मैडम कुछ भी बात कर। हे एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड यार इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या कुछ टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके हम वी कैन मेक श्योर कि हम DSNL को बहुत अच्छे से सीख पाए, ठीक है? सो दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट लाइक जनरल टिप्स, दिस आर गोइंग टू बी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव यूज्ड व्हेन आई वाज लर्निंग एंड इसके अंदर वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो पारिक सर ने यूज की थी जब वो सीख रहे थे DSNL, ठीक है? तो वी टॉक अबाउट 7 डिफरेंट टिप्स एंड अलॉन्ग विद दैट एक बोनस टिप भी है तुम्हारे लिए एंड में, तो प्लीज स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लो प्लीज चैनल को, है ना? और चलो स्टार्ट करते हैं। हाय पारिक, वेलकम। हाँ जी, तो यार आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। लोग पढ़ते हैं बट वो ढंग से नहीं पढ़ रहे होते, चीजों को ढंग से नहीं कर रहे होते। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नो बिफोर दे स्टार्ट लर्निंग एंड लाइक हाउ टू लर्न, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या गलतियां कर रहे हैं वो, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद यू, तुम बताओ sure. एक चीज जो तुम्हें लगता है कि दैट्स सम दैट पीपल शुड टेक केयर ऑफ एट द बिगिनिंग। आई थिंक स्टार्टिंग में सबसे बड़ा बैरियर होता है एक लैंग्वेज का बैरियर, सो उस पे बहुत अटकते हैं लोग। तो मुझे लगता है मैं क्रिस्टल क्लियर था कि मेरे को किसी ने गाइड कर दिया कि यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है, लैंग्वेजेस बाद में तू बहुत आराम से सीख लेगा, एक लैंग्वेज पकड़ ले और DSNL को उसमें अच्छे से फोड़ दे। सो मतलब मैंने तो 11th 12th में नहीं पढ़ी थी कोई लैंग्वेज, तो समबडी गाइडेड मी यार जावा सीख ले, ठीक ठाक लैंग्वेज है और मीडियोकर है, इतना मुश्किल भी नहीं सीखना, जावा पकड़ और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स लॉजिक्स पे फोकस कर और वो जब तू कर लेगा उसके बाद तू कोई भी लैंग्वेज सीख लेगा। तो उसके बाद मैंने C++ में भी DSNL को कर लिया, पाइथन में भी कर लिया, पता नहीं दुनिया भर की लैंग्वेजेस सीख ली, बट जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था आई वाज क्रिस्टल क्लियर, जावा पकड़ी और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करी एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सॉल्व करी, राइट? सो इस पॉइंट पे आई थिंक राइट, बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं बस ये था, बस दैट वाज दैट रियली हेल्प मी कि यार फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेरा लैंग्वेज का बैरियर पूरा हट गया और ये बहुत होता है स्टूडेंट्स के साथ, सो आई थिंक पिक वन लैंग्वेज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? एंड इसके अंदर ना एक पॉइंट तूने बोला व्हिच आई थिंक वी शुड आल्सो टॉक अबाउट इज कि तूने 11 12th में नहीं किया था, राइट? सो 11 12th में मैंने भी नहीं किया था एंड मैं जब कॉलेज में गया मेरे आसपास लोगों को बहुत कुछ आता था एंड दैट वाज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस फॉर मी कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि जो लोगों ने 11 12th में जितना किया हुआ है ना, मतलब वो इतना ज्यादा लगता है जब तुम कॉलेज में जाते हो, बट दैट्स एक्चुअली लाइक तुम अगर आप ढंग से करोगे 2-3 हफ्ते में तुम वो कवर कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल होता है, इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, और अगर तुम सेम चीजों को अगर आप ढंग से करोगे 2-3 हफ्ते में तुम आराम से कवर कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उस पर स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है? चलो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। आई थिंक एक चीज जो हमें पक्का अच्छे से करनी चाहिए, हमें अपनी लर्निंग को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन किस चीज से होती है, लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, हम स्टार्ट करते हैं सीखना, फिर 1-2 हफ्ते में लगता है अरे यार प्रोग्रेस ही नहीं हुई, कुछ सीखा ही नहीं कुछ, मैं तो एकदम या तो मेरे में प्रॉब्लम है या फिर मेरे तरीके में प्रॉब्लम है, मेरे से तो नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं 6 महीने बाद सोचता हूँ अरे इस सेमेस्टर में मैं पक्का फोड़ूंगा, फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ, वो पहले 1 महीने तक मेरे से कुछ होता नहीं है, फिर उसके बाद मैं दोबारा छोड़ देता हूँ। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुमने ना सोच तो लिया कि करना है बट ये नहीं सोचा कि करना कैसे, है ना? सो इसमें कॉन्टेंट बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एंड लर्निंग भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका?
कंटेंट स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब ये है कि जब तुम कुछ भी कंटेंट तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें करना है, तो आइडियली तुम्हें पता होना चाहिए ना यार कि मैं ये पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा, फिर इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर मैं यहाँ पे टेस्ट दूंगा, या कुछ जो भी वो स्ट्रक्चर है कॉन्टेंट का वो होना चाहिए. नहीं तो तुम्हें रोज सुबह उठोगे और तुम्हें डिसाइड करना होगा कि आज मैं कहाँ से पढ़ूं. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. नहीं सीख पाओगे अच्छे से, वो फ्लो नहीं बन पाएगा, है ना. एक टॉपिक किया, उसके प्रॉब्लम्स करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंटेंट बहुत जरूरी है. उसके अलावा लर्निंग भी बहुत स्ट्रक्चर होनी चाहिए. मतलब हमें पता होना चाहिए कि यार मेरे को हफ्ते में इतने घंटे लगाने ही लगाने हैं इसके ऊपर. मैं इस हफ्ते में ये दो टॉपिक कर लूंगा, फिर अगले हफ्ते में कुछ और दो टॉपिक करने हैं. तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर होनी चाहिए. अगर तुम्हें लगता है तुम मॉर्निंग में ज्यादा इफेक्टिव हो तो सुबह उठ के करो. अगर तुम्हें लगता है तुम रात को ज्यादा इफेक्टिव हो तो तुम रात को करो, बिकॉज दिमाग चलाना पड़ेगा इसके अंदर बहुत सारा, है ना. तो वो तुम्हें अकॉर्डिंगली सही टाइम पे करना चाहिए, ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर लाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. सो ये आई एक्शन टू दैट. बेसिकली मेरा मतलब मॉर्निंग में तेज दिमाग चलता, तो मैं जनरली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहे हैं या 6 बजे उठ के पढ़ रहे हैं. सो दैट रियली हेल्प मी. मतलब रात में नहीं चलता था तो दिमाग. आई थिंक आई एग्री टू दैट पॉइंट. ठीक है सो आई थिंक एक चीज और होती है. तो हम क्या करते हैं, हम DSNL को पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट. अब ठीक है, 2 महीने पढ़ा यार, देखते हैं दूसरों को, यार ये वेब डी भी सीख रहा है, यार ये कोई बंदा एंड्रॉयड भी सीख रहा है, कोई बंदा कॉम्पिटेटिव कर रहा है, और हम घबरा जाते हैं यार, हम तो DSNL को भी अटके हुए हैं. सो व्हाट वी मेक मिस्टेक्स इज यार चलो वेब डी भी पढ़ना साथ साथ शुरू कर लेते हैं. DSNL को हुआ नहीं होता पूरा और हम कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ना वो अच्छे से हो पाता है, ना DSNL को अच्छे से हो पाता है. आई थिंक पर्सनली जो मेरे लिए भी हेल्प करा, मैंने जब DSNL को सीखा 6 से 8 महीने लग के सीखा, बट केवल एंड केवल DSNL को करा और बहुत अच्छे से करा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करी, बहुत सारे लॉजिक्स पे फोकस करा. एंड मुझे लगता है उसके बाद मैंने वेब डी भी सीख लिया, कॉम्पिटेटिव भी सीख लिया, और हमेशा मेरे को ये DSNL का बेस बहुत हेल्प करा. सो आई थिंक ये जो 6 से 8 महीने की इन्वेस्टमेंट है ये वर्थ इट होती है तुम्हारे को आगे कोई भी नई स्किल सीखनी है प्रोग्रामिंग में. सो ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा. सो आई विल हाईली रिकमेंड, जब लर्न कर रहे हो DSNL को तो केवल DSNL को करो और कुछ मत करो, बाकी चीजें बाद में आराम से हो जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल, टोटली अग्री ऑन दैट. मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम 6 महीने में 2 चीजें पैरेलली कर सकते हो, तो तुम 6 महीने में 2 चीजें सिक्वेंशियली भी कर सकते हो. राइट. अगर तुम्हें लगता है कि तुम 6 महीने तुम एकदम सही होंगे और तुम फोड़ोगे एकदम जिंदगी के अंदर, और 6 महीने के अंदर तुम दोनों कर लोगे साथ में, तो यार फिर तुम 3-3 महीने में एक एक करके भी कर सकते हो. एंड दैट विल बी बेटर, बिकॉज तुम्हें स्ट्रक्चर बेसिकली दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी, चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, है ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ. सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ना जनरली लोग बात नहीं करते इसके बारे में. हम क्या करते हैं, हमेशा बोलते हैं यार अगर तुम्हें DSL को सीखना है तो भाई कंप्यूटर तो होना चाहिए ना. मतलब इन द सेंस दैट बुक से पढ़ के नहीं सीख पाओगे, कोड करके ही सीख पाओगे, है ना. बट एक चीज हम भूल जाते हैं कि एक आदत बनाओ तुम लोग सब कि साथ में पेपर पेन रखना ही रखना है. जब भी कोई प्रॉब्लम है, अगर पेपर पेन नहीं होता ना, हम कोड करना शुरू कर देते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हम करना क्या चाहते हैं. पहले पेपर पेन पे अगर तुम क्लैरिटी लाओगे कि यार इसमें मेरा ये सोल्यूशन है, कोड करना आसान हो जाएगा, कोड करने से डर नहीं लगेगा. सेकेंडली कोड कर लिया, अब उसको ड्राई रन कर पाओगे, है ना. ड्राई रन करने के लिए अगर तुम्हारे पास पेपर पेन होगा तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, इन डेप्थ समझ पाओगे. एंड थर्ड पॉइंट, अगर कोई बग है कोड के अंदर, बैठे बैठे तो घूरते रहो, है ना, कोड को देखते रहो, नहीं पता लगता. पेपर पेन पे अगर तुम एक बार करके देखते हो तो तुम्हें क्लैरिटी आती है कि यार ये यहाँ पे बग है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है और इसको इस तरह से करना चाहिए. क्या तुम्हें क्या लगता है पारिक? सो मेरे ख्याल से बहुत ही सही पॉइंट है. आई थिंक जब बेसिकली एरे के अंदर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, लिंक्ड लिस्ट के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहे हैं, ट्री के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आते हैं, वो नहीं पता लग सकते जब तक तुमने पेन एंड पेपर पे नहीं समझोगे. पता तुम देखते रहो कोड, तुम डीबगर यूज कर लो, वो ना क्लैरिटी नहीं आएगी कि फंस कहाँ रहा है कोड. पेन एंड पेपर पे करो, 10 मिनट लगाओ, तुम्हें पता लग जाएगी तुम्हारी गलती. आई थिंक दैट रियली हेल्प मी एज वेल कि पेन एंड पेपर हमेशा हमारा दोस्त है, उसका अच्छे से यूटिलाइज करो. ठीक है ठीक है. एंड अगर तुम पेपर खराब नहीं करना चाहते हो तो तुम कुछ और यूज कर लो, कोई डिजिटल वो यूज कर लो, बट एटलीस्ट प्लीज लिख के करो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ठीक है, हाँ जी. सो लेट्स मूव टू द 5th पॉइंट. बताओ पारिक, व्हाट डू यू थिंक
आई थिंक दैट हेल्प मी रियली वेल इन ड्यूरिंग माई कॉलेज कि यार देखो एक होता है तैयारी कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर कॉन्टेंट से कर रहे हैं बट एक ना साथी चाहिए होता है बिकॉज अभी तुम क्या कर रहे हो तुम अपने हिसाब से सोच समझ के कर रहे हो अपने हिसाब से सोल्यूशन देख रहे हो बट लाइक एक दो साथी हो ज्यादा नहीं होने चाहिए एक दो साथी हो जो सिमिलर गोल्स है जिनके लाइक उन्हें भी अच्छा प्रोग्रामर बनना है तुम्हें भी अच्छा प्रोग्रामर बनना है वो बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो भी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं तो तुम डिस्कस करते हो सॉल्यूशंस क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट तरीके से चल रहा है तुम्हारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट तरीके से चल रहा है तो वो बहुत हेल्प करता है मतलब ऑनेस्टली हम लोग मेट्रो में जाके कुछ कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होते थे तो हमें समझ में आता था अच्छा हाँ यार इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं एंड दैट एक्चुअली लाइक उससे तुम्हें नया प्रोसेस समझ में आता अच्छा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो जो पीयर ग्रुप में लर्निंग होती है वो लर्निंग किसी और से तुम वो कोई सिखा नहीं सकता मतलब दैट इज जब तुम्हारा पीयर ग्रुप बन जाता है तभी तुम्हें मजा आएगा कि यार नए नए तरीके से मिल रहे हैं सॉल्यूशंस राइट सो आई थिंक लाइक वो हैविंग दैट राइट सॉरी आई वाज जस्ट सेइंग दैट हैविंग दैट कॉम्पिटिटिव फीलिंग आल्सो राइट दैट इज हेल्पफुल राइट यार यार उसने इतना कर लिया मैं भी करूंगा एंड दैट जस्ट पुशेस एवरीबॉडी टू सॉर्ट ऑफ डू बेटर डेफिनेटली बिकॉज़ इवेंचुअली जॉब्स इनफ है तुम अगर चार लोग हो और चारों अच्छा करोगे तो चारों की अच्छी जॉब लग जाएगी कोई फाइट नहीं होगी सो बट लाइक वो कॉम्पिटिटिव नेचर भी हमारा सबका थोड़ा हेल्प तो करता ही है हमें ग्रो करने में डेफिनेटली डेफिनेटली एंड पारी की हर कहानी के अंदर ना मेट्रो आ जाती है कुछ भी होता है मुझे पता नहीं तूने कितना टाइम मेट्रो में स्पेंड किया है बट हम कुछ भी बात करते हैं ठीक है चलो ओके तो आई थिंक आई डन विद 5 points एंड आई थिंक Honestly, यार प्लीज लिख लो इन चीजों को दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड तुम उनका ध्यान रख लोगे ना तो बहुत सही फायदा होगा ठीक है सो नाउ मूविंग टू द 6th पॉइंट देखो एक चीज बहुत ही कम लोग होते हैं जो बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि क्या करते हैं एक लेक्चर की वीडियो देखी अगले लेक्चर पे चले गए सारी वीडियोस देख ली एंड में बोल रहे हैं अरे हमें तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है हमें पता है सब क्या क्या होता है कोड करके नहीं देखा बट वो तो कर लेंगे बट हमें आता है एक दूसरी तरफ लोग क्या होते हैं एरेज पढ़ेंगे अब एरेज की प्रॉब्लम कर रहे हैं और करे जा रहे हैं और वो डूब गए हैं उस समंदर के अंदर या वो एरेज की प्रॉब्लम करे जा रहे हैं अब उन्हें पता ही नहीं है कि रुकना कब है राइट है ना क्योंकि तुम ढूंढोगे 1000 प्रॉब्लम मिल जाएंगी अब 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो भाई लगेंगे 3-4 महीने एरेज के अंदर राइट है ना सो अब ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है राइट दैट हम कितना फास्ट मूव करें या हम कितना स्लो मूव करें मैंने पहले भी बोला है 20-25-30 प्रॉब्लम ऑन ईच टॉपिक इज आइडियल आई थिंक इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है बट ऑब्वियसली वो ढंग से सोच के कौन सी प्रॉब्लम है कौन सी नहीं है वो हमें पता होना चाहिए राइट एंड दिस ऑल्सो रिलेट्स टू द पॉइंट जो मैंने पहले बोला था कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कॉन्टेंट हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद कितनी प्रॉब्लम करूँ कैसे करूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हर एक कोर्स के अंदर हर एक टॉपिक के बाद कुछ वीडियोस कुछ बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं टू मेक श्योर जो कि ईजी से हार्ड की तरफ जा रही है और उसी तरह से फॉलो करना है सो दैट्स समथिंग दैट वी मेक श्योर दैट दैट्स अ एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट अनदर एग्जांपल इज कोड स्टूडियो जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली यू कैन लर्न फॉर फ्री वहां पर अगेन यू विल हैव गाइडेड पाथ हर एक टॉपिक के बाद तुम्हें दिया गया है कि कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है कौन सी नहीं करनी है तुम वहां से भी सीख सकते हो सो दीज आर जस्ट सो आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू कि ये करना है बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि कहां से कर सकते हो ठीक है तो उसको एक्सप्लोर कर लो and that will be very very helpful so making sure that this balance is there is very very important right I think just to add one thing into that point ek jo aata hai balance maintain karne mein ek dar rehta hai yaar main purana na bhulta ja raha so usme bhi balance maintain karne ke liye kuch mat karo jo purani problems tumne confidence maintain karne ke liye jo kari hai na unhi ko kar lo chahe dobara तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहे राइट सो आगे बढ़ पाओगे कि या चलो जो कर रहे हैं वो करो नए प्रॉब्लम्स मत उठाओ बिकॉज नए प्रॉब्लम में हो सकता है कुछ नया हो जाएगा रिवाइज करने के लिए जो तुमने करे हुए प्रॉब्लम्स उन्हीं को कर लो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही रहेगा एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड मेक सेंस ठीक है सो लेट्स मूव टू द 7th पॉइंट ठीक है बताओ पारिक लाइक तुम्हें क्या लगता है तो एक चीज होती है जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख लेते हैं ना तो शुरू में तो हम क्या करते हैं कोड सीख रहे होते हैं तो किसी भी तरह सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम अब जब एक्चुअली हम लाइक लिंक्ड लिस्ट पे आते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन से सोचना शुरू कर देते हैं तो एक खराब आदत आ जाती है क्वेश्चन को देखा दिमाग लगा ही नहीं रहे कि उसको कैसे सॉल्व करना है पहले ही ये सोच रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से कैसे करना है बहुत खराब थिंकिंग है उससे तुम कभी बेस्ट सॉल्यूशन पे जा ही नहीं पाओगे आई थिंक व्हाट रियली हेल्प मी जो करता है पहले क्वेश्चन को देखो
सॉल्व कर दो किसी भी तरीके से कि यार ऐसे तो पक्का हो जाएगा, चाहे कोड मत करो, अपने दिमाग में डाल लिया कि यार ये ऐसे तो पक्का हो जाएगा। अब ना तुम्हें अंदर से रियलाइज होगा, अरे यार मैं यहाँ एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, इसको ऐसे बेटर कर सकता हूँ। फिर उस टाइम और रियलाइज होगा कि अच्छा नहीं यार मैं यहाँ एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, और फिर तुम बेस्ट सॉल्यूशन में पहुंच पाओगे। डायरेक्टली बेस्ट सॉल्यूशन पे सोचना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। पहले ब्रूट फोर्स सोचो, धीरे धीरे करके बेस्ट सॉल्यूशन पे जाओ। दैट इज द स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। राइट, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ट्रिक एज वेल। राइट, सेंस दैट देखो, अगर मैं तुमसे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ और तुम बेस्ट के चक्कर में मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, राइट, है ना, तो दैट इज फार वर्स देन तुम मुझे बोलो देखो इस तरह से तो हो जाएगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, राइट, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि इम्प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में यार बंदा एकदम बेवकूफ तो नहीं है, उसको आता तो है, उसने कुछ तो सोल्यूशन दिया ना मुझे, फिर उसके बाद अब वो सोच रहा है इम्प्रूव करने की, तो दैट इज अ फार बेटर सिचुएशन टू बी रादर देन बीइंग इन अ सिचुएशन वेयर यू आर सेइंग कि मैं सोच रहा हूँ एन में कैसे करूंगा, एन में ही करूंगा, एन में कैसे करूंगा, एंड इवेंचुअली नहीं हुआ, मतलब उस केस में तो मेरे लिए बहुत क्लियर है यार इससे तो सॉल्व ही नहीं हुआ। सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लाइक बहुत ही सही इंटरव्यू ट्रिक भी है दैट वी शुड टेक कीप इन माइंड। So as I promised, एक last bonus point that I would like to talk about is कि यार एक topic है जिससे ना सबको डर लगता है, but एक बार तुम अच्छे से सीख लो ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत सही आसान हो जाती है। बहुत सारे data structures के अंदर बहुत ज़्यादा help करता है, बहुत सारी problems के अंदर बहुत ज़्यादा help करता है, and that is recursion। मुझे पता है थोड़ा tricky लगता है, but एक बार अगर तुम ढंग से सीख लोगे, मैं बता रहा हूँ, it will be your best friend। तुम लिंक लिस्ट में कुछ कर रहे होगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर रिकर्जन से चीजें सामने आएंगी, ट्रीज के अंदर तो हो ही जाएंगी, राइट, इवन इन ग्राफ्स डीपी का भी बेस टू अ सर्टेन लिमिट रिकर्जन से निकल के आ रहा है, राइट। सो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी एल्गोरिथम्स के अंदर, बहुत सारे एल्गोरिथम ग्रुप्स के अंदर अगर तुमने रिकर्जन अच्छे से कर लिया तो बहुत सही हो जाएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। सो एक बस बोल रहा हूँ कि मुझे पता है मुश्किल लगेगा तुम्हें, बट छोड़ो मत उसको, उस पर लगे रहो, उसको अच्छे से करो, एंड विल रियली हेल्प यू बीइंग एबल टू थिंक दैट रिकर्सिवली, एंड बीइंग एबल टू थिंक कि मेरे को पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, मैं एक पार्ट कर रहा हूँ बाकी अपने आप हो जाएगा, आई थिंक इज ब्यूटिफुल एंड विल रियली हेल्प यू इन लर्निंग। राइट राइट, आई थिंक जस्ट टू ऐड, मतलब मैंने भी वही आपसे रिकर्जन सीखा था, सो आई थिंक वो थिंकिंग बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ऑनेस्टली जब एक बार रिकर्जन आ जाता है ना तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कुछ ना हो रिकर्सिवली तो सॉल्व कर ही दूंगा प्रॉब्लम। सो वो एक वो जो फैक्टर है कि पक्का हो ही जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, डीपी की हो, बिकॉज डीपी की मोस्टली प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली हो जाती है, सो वो एक हो जाता है यार क्वेश्चन सॉल्व तो कर पा रहे हैं, सो वो बहुत हेल्प करता है, रियली ग्रेट बोनस पॉइंट। सही है, सही है। सो दिस वॉज रियली रियली, मुझे तो लगता है कि आई थिंक काफी हेल्पफुल होगा अगर लोग इसको ढंग से फॉलो करेंगे। Definitely. देखो ये सब हम बातें तुम्हें बता रहे हैं, बट ये सब बातें तभी फायदा करेंगी जब तुम एक्चुअली पढ़ोगे भी। Right. सिर्फ यही वीडियो ऐसी वीडियोस ही देखते रहोगे तो तुम ऑब्वियसली सीख नहीं पाओगे, तो तुम आई एम लाइक ये पॉइंट्स को ध्यान में रखो, बट प्लीज पढ़ भी लो, अब सीख भी लो, और उसके लिए मैंने तुम्हें रिसोर्सेज बताई हैं, तुम कोड स्टूडियो पर जा सकते हो, तुम हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, सो ट्राई टू एक्सप्लोर देम एंड स्टार्ट लर्निंग। Okay. Thank you, Parik. Thank you.